आज 11th क्लास और 12th क्लास जो भी बच्चे का टॉपिक वाइज टेस्ट हुआ था उसका पूरा पुरस्कार वितरण किया गया। और इस वितरण समारोह में रविंद्र में अभी जो है प्रशिक्षक हैं एसआई गीतांजलि और वर्षा जी आए हैं थे। और उन सबको बहुत शुक्रिया कि हमारे तिरंगा बायोलॉजी रिसर्च सेंटर में आए। और उम्मीद है कि उन लोगों के आने से बच्चों लोगों को एक नई ऊर्जा मिलती है कि काश मैं भी इस तरीके से एसआई बनता, लेकिन उसके लिए मेहनत जरूरी होती है। हम जो हैं 11th 12th का केवल बायोलॉजी पढ़ाते हैं। बायोलॉजी मेन पर्पस जो है, ज़्यादातर बच्चे लोग डॉक्टरी लाइन में जाते हैं, लेकिन इसका यूज जो है सही साबित कर दिया भारत सरकार ने कि अब जो है जो अगली भी 4 साल के हैं जो बायोलॉजी से लेकर के जाएगा वो 18 साल में 18 साल में उनका नौकरी होगा। इस तरीके से बायोलॉजी में बहुत सारे डिटेक्ट डिपार्टमेंट ANM GNM पारा मेडिकल या ITMBM सवाल पूछने का या नीट से संबंधित जो भी सवाल हैं उसको हम यहाँ डील करवा देते हैं, सोल्व करवा देते हैं। पैकेज भी बच्चे लोगों को दे देते हैं, LED के माध्यम से भी समझा देते हैं, खुद लिखवा देते हैं, बोर्ड पे भी समझा देते हैं, क्यूज ले लेते हैं। हर एक 2 चैप्टर समाप्त होता है क्यूज लेते हैं, एक लड़की लोगों का क्यूज और एक लेते हैं, एक लड़की लोगों का ग्रुप रहता है और एक रहता है लड़का लोगों का ग्रुप, उसमें से दोनों का तुलना करके और बोर्ड पर रिजल्ट सुना दिया जाता है। पिछले बार लड़की लोग जीती थी और इस बार जो है 3 और 4 लेसन का जो क्यूज हुआ उसमें लड़का लोग जीता। इसी तरीके से टेस्ट तो हर एक चैप्टर में होता है और हर एक बार प्राइज वितरण। उद्देश्य क्या रहता है? उद्देश्य यही है कि बच्चों मोटिवेट हो सके और उससे एक चीज हमको अच्छा निकल करके आता है कि पता चल पाता है कि जो पिछले बार बच्चा आया उसका लेसन 1 में कितना नंबर है और इस बार जो लेसन 2 हम पढ़ाए उसमें उसका नंबर कितना है। तो अगर इंक्रीजमेंट उसमें हो रहा है तो ये पता चल पाता है कि बच्चा मेहनत कर पा रहा है। अगर उसका नंबर उससे नीचे आ रहा है तो समझ में आता है कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बदमाशी कर रहा है। तो उसके लिए उस पर हम लोग टॉर्चर करते हैं कि जाओ पढ़ो, 10 से 15 मिनट सब्जेक्ट वो पढ़ो, तब कुछ ना कुछ आएगा और तब टॉपिक समझ में आएगा। बच्चों में क्या हौसला दिखता है? हाँ, बच्चों लोगों में हौसला मिलता है और दिखता भी है, बहुत लोग सुधर गया। बच्चे लोगों को तो सवाल हम ये देख रहे हैं कि पहले जब स्टार्टिंग में हम लिए थे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तो उस समय क्या था कि लिख नहीं पाता था सब्जेक्टिव, लेकिन अब तो है कि सवाल अगर ना भी आ रहा है आंसर तो ये उसको उससे रिलेटेड करके कुछ ना कुछ बना दे रहा है बच्चे लोग, यानी कि लिखना स्टार्ट कर दिया है और धीरे धीरे 12th क्लास तक बहुत अच्छा हो जाएगा। आपका टेस्ट कितने नंबर का होता है और कितने नंबर में कितने नंबर लाते हैं? 40 नंबर का हम लेते हैं अधिकतर, ऐसे 25 नंबर का भी होता है और 40 नंबर का हार्ड एक चैप्टर से, क्योंकि एक चैप्टर में सवाल ही कितना बन सकता है। इतना पैसा खर्च करके क्यूज करवाते हैं और पुरस्कार का वितरण करते हैं, इससे फायदा दिख रहा है? फायदा बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलता है और पैसा से तो दूर की बात है, बच्चों के बच्चे हो जाए तो अच्छी बात है। आपका परिचय? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ और मैं तिरंगा बायोलॉजी के निर्देशक शिक्षक हूँ और ये तिरंगा बायोलॉजी रफीगंज में बहुत कम समय में बहुत अच्छा पोजिशन में है। एक चीज़ हम बोलते हैं कि तिरंगा ना कभी झुका है और ना कभी झुकेगा। बायोलॉजी के कारवा में ये भी एक पल जुट गया। दोनों नई ऊर्जा कर रहे हैं, सम्मानित किया जा रहा है, गौरव का पल है, गौरव का विषय करके सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, किया जा रहा है और प्रेरणा दिया जा रहा है। आप इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में जा रहा है, यह केवल पुरस्कार नहीं है, तालियां बजती रहनी चाहिए सपना के लिए, जोरदार तालियां बजाते रहिए सपने के लिए, बहुत ही अच्छा रहनी चाहिए अंजलि कुमारी के लिए, जोरदार तालियां, सफलता बिल्कुल आपकी कदम चुमेगी, पल है और जोरदार तालियों स्वागत कीजिए इनका, जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए विशाल जी के लिए।